हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त भी हूँ, क्योंकि हमारा सफाई अभियान चल रहा है और आज हमने धूप में सारे अपने गद्दे वगैरह डाल दिए, बिस्तर गद्दे सारे डाल दिए। और हाँ, मैं तंदुकारती आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। ये ऑफिस चले गए, पापा देख रहे हैं ब्लॉग, देख रहे, मतलब ब्लॉग तो देख रहे हैं, उसके बाद फिर वो यूट्यूब पे केबीसी वगैरह देखते रहते हैं। तो अभी पापा उसको देख रहे हैं, मैं और लक्कू आज अपने अपने रूम की सफाई करेंगे। अभी मैं तो सोच रही हूँ सिर्फ मैं अभी अलमारी का करूँगी, क्योंकि बेड में मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारा सामान है, तो पहले बेड मेरे को खाली करना पड़ेगा। उसमें अकेले नहीं होता है, तो वो हम बेड शाम को खाली करके फिर तब उसकी कल सफाई करेंगे, उसको थोड़ा एडजस्ट वगैरह करके, क्योंकि सिर्फ 2 दिन 3 दिन और हैं, आज कल और परसों, 3 दिन के बाद फिर 4थे दिन नवरात्रि आ जाएगी, तो तब तक हमें सफाई कंप्लीट कर देनी है। और ऑलमोस्ट वैसे सफाई अब हो ही चुकी है, तो बस रूम ही रूम बाकी है, करते हैं सफाई। खाना पीना खा लिया है और पहले मैं अलमारी खाली करती हूँ, और वहाँ अलमारी थोड़ा आगे को करके वहाँ जाले वाले लगे ना, उनको साफ करते हैं। तो चलो चलते हैं। और पहले ये ऐसे सुखाए हैं आज गद्दे, गद्दे सारे धूप में सूख रहे हैं, वहाँ कंबल वगैरह डाल रखे हैं, इधर भी गद्दे डाल रखे हैं। तो बस, और आज का मौसम ऐसा ही है, रोज़ धूप है और गर्मी नहीं हो रही, ठीक हो रहा है, बढ़िया होने लग गया, लेकिन ठंड भी, रात में ठंड बहुत हो रही है। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। तो गद्दे उठाए दिए और थोड़े कपड़े मैंने पहले निकाल के ऐसे साइड कर रखे, इनको सब ढक देंगे और सब कुछ खाली करना है भाई। इतने सारे कपड़े यहाँ हैं, ये देखो लास्ट में कपड़े की तरफ, किसी रोज़ ये फ्रॉक मांगती है, अब ये फ्रॉक मैं उसको रानी का पहनाऊँगी। और ये सारी अलमारी साफ़ करनी है, ऊपर का सामान निकालना है और यहाँ सीसी से सामान निकालना है, सीसी में भी ऐसे हो रहा है सभी, ये देखिए। ठीक करते रहते हैं लेकिन फिर भी हो ही जाती है ना, गड़बड़ गुड़बड़ चलते रहती है, कि बच्चे हैं, पति हैं, फिर रोज़ रेडी होना है, जाना है, हमारा क्या है, कभी अच्छे से तैयार हुई, कभी नहीं हुई, हम मेरे पे होता है। तो चलो काम करते हैं। तो दोस्तों मुझे क्या मिला है, हेमंत तनुजा हंसी। और एक चीज़ बताओ, तो मुझे मिल गया कार्ड, और ये कार्ड है हमारी शादी का, मेरी और इसके पापा की शादी का, मेरा वाला भी, मतलब मेरे मायके वाला भी होगा अभी। ये देखिए कितनी खुशी होती है ना, कुछ ऐसे कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरी शादी का कार्ड, अब इसको मैं, हमने संभाल के रखा है, मेरे मायके वाला भी होगा, वो भी मिल जाएगा अभी, फिर दोनों को मैं एक साथ रखूँगी। अभी गोलू के नामकरण का कार्ड भी होगा, खुशी के टाइम पे तो नहीं छुपाया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि कुछ बड़ा नामकरण करे करके, और क्योंकि ना खुशी हमारी जो थी वो प्रीमेच्योर हुई थी, तो उस टाइम पे नॉर्मल सा छोटा सा ही नामकरण किया था उसका। और कोल के नामकरण के दिन क्या हुआ था, सब कुछ रेडी हो गया था, ठीक अगले दिन 17 अप्रैल को कोल का नामकरण था और 16 अप्रैल को लॉकडाउन दोबारा घोषित कर दिया था। अभी 3 बज रहा है, खुशी भी आ चुकी थी, खुशी को आधे रास्ते तक लेने गई, फिर वहाँ से आके खाना भी खा लिया है, और अभी 3 बजने वाला है, 3 बजानी है। और अब इन बच्चों को सुलाती हूँ, फिर उसके बाद लगते हैं अपने काम पे। ऐसी हुई ना मजदूरों वाली फीलिंग आ रही है, कि सुबह से काम पे लगे हैं, अभी खाने का टाइम हो गया, 5 मिनट का रेस्ट, उसके बाद फिर से काम पे। अभी लगी मस्त वाली धूप, एक साइड के गद्दे उठा दिए, एक साइड के अभी हैं ये, तो मेरे को लग रहा है शाम को ही उठने वाले हैं। तो मेरी इस साइड की सफाई हो चुकी है, यहाँ से भी सामान सारा निकाल दिया मैंने, शीशा भी साफ हो गया, ये देखो। हाँ जी पापा, पैसे पैसे तो हो गई सफाई, पता है ये अलमारी पूरी खाली करके आगे खिस गई, फिर इसके पीछे सब साफ़ किया, ऊपर ऊपर सब साफ़ किए, वो घड़ी साफ़ कर दी, और अब थी फोटो फ्रेम साफ़ कर दी, ये
और ये है हमारी रिसेप्शन की। तो ये सब कपड़े मैंने अभी यहाँ पर ढक रखे हैं, मैं इनको अभी खुशी के आने के बाद फिर उसको खाना वाना खिला के उसको सुलाएंगे या बच्चों को सुला देंगे, दोनों को ही सुलाएंगे। आज मैं सोऊंगी नहीं, अब फिर मैं सारे कपड़े वो जो निकाले हैं फिर से अलमारी में सेट करके फिर उसके बाद बेड खाली करूंगी। बेड खाली होगा तो तब जाके मेरी सफाई कंप्लीट होगी, क्योंकि बेड के नीचे बहुत कूड़ा हो जाता है ना, झाड़े वगैरह भी लगे हैं। वैसे तो जितना झाड़ू लगता है उतना तो हम लगाते ही हैं, पोछा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी होता ही है गंदा। शक्ल भी कितनी गंदी सी हो रही है, ये शक्ल ही ऐसी है। तो चलो और अब टाइम हो रहा है, देखो टाइम इतना हो गया है। तो खुशी का भी आने का टाइम होता है, खाना चढ़ाना है। खाना चढ़ाना क्या है, दाल है लाए हैं आज, गोली भी ऐसी है। और इस कमरे की हालत कैसे ठीक होगा भाई, कैसे ठीक होगा, पहले ये मैंने सेट करने हैं फिर उसमें से निकालने हैं। इस कमरे में बहुत ज़्यादा काम है यार, हो गया मेरा वैसा ही है जैसा था। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो शाम के 6:30 हो रहे हैं और पापा के लिए चाय बनाऊंगी, पापा लोग के लिए। मैं अभी नहीं पी रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बर्थडे में। बर्थडे में मतलब यही किसी का क्लासमेट है करण जैसे, तो उसका बर्थडे है। तो अभी शाम के टाइम में ना 5:30 बजे उसकी मम्मी आई थी कि बर्थडे में आना और बच्चों को लेके आना, और खुशी तो जब से स्कूल से आई है तब से बोल रही थी करण के बर्थडे में जाना है, तो ले तो जाना पड़ेगा ही बच्चों को। तो मैं उनको बर्थडे में लेके जा रही हूँ अभी और आती हूँ थोड़ी देर में। बहुत थकान हो रही है। अलमारी तो मेरी पूरी सेट हो गई है, गद्दे मैंने अभी सिर्फ गद्दे डाले हैं यहाँ पे, बाकी सुबह में कल गद्दे फिर उठाऊँगी और बेड खाली करूँगी। बेड खाली करके कल मेरी सफाई यहाँ की कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद दिन में पर्दे निकाल के पर्दे धो रही है। पर्दे धोने के कपड़े धोने की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये साफ़ सफाई में जो बहुत टाइम लगता है ना उसमें हालत ख़राब हो जाती है सच में, बुखार जैसा आ गया। तो चलो चलते हैं बर्थडे में। गोलू सबको हंसा रहा है यहाँ पे, गोलू सबको हंसा रहा है। इधर को देखो, इधर को देखो बच्चे हो नमुआ, यहाँ को देखो। आ गए हैं बर्थडे से घर, आ गए और घर आके चाय पी ली, क्योंकि आज शाम की चाय नहीं पी थी तो चाय पीने का बड़ा मन हो रहा था, चाय पी ली और बर्थडे सही रहा। और आज एक तो ना ताकत नहीं थी तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी कुछ नहीं बनाया, और गोलू वहाँ भी मस्त में चल रहा था, वो ना ढंग से केक खाया ना खाना खाया इसने ढंग से। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।